आयत बिन्त जहाज़े रहमत आपका निकाह शाहजहाँ वल अहमद ख़ान बस हक महर 50,000 रुपये तय पाया है, आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। साइन करो। शाहजहाँ वल अहमद ख़ान आपका निकाह आयत बिन्त जहाज़े रहमत बस हक महर 50,000 रुपये किया जा रहा है। अंदर दम घुट रहा था, अगर थोड़ी देर और रहता ना तो मेरा दिल बंद हो जाता। यार तू मुझे एक बात बता, जिसे तेरी कोई परवाह नहीं है तो क्यों छोड़ देना यार? बस काश इतना आसान होता। यार एक बार हिम्मत तो कर, इतना मुश्किल नहीं है, तू प्लीज खुद को अजियत देना बंद कर दे। मुझे अपने किए की सजा मिली है बॉबी, इसका मतलब है मेरा गुनाह माफ नहीं हुआ अभी तक। तूने कोई गुनाह नहीं किया है, ये सब उसके किए की सजा भी तो हो सकती है। बॉबी तू मेरा दोस्त है, अगर तू जख्मों पर नमक छिड़केगा तो बहुत तकलीफ होगी। भाभी रुखसती तो मैं आज की आज ही लूंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। आज भाभी अंदर चल के बात करें, जरा आइए मेरे साथ आइए। Thank you.
कौन सी अजीब बात कर दी कि आप यूं परेशान हो रही हैं? परेशानी की बात तो है भाभी, निकाह के लिए तो हम हो गए थे तैयार, लेकिन इस तरह अचानक रुखसती, तो हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हैं। बच्ची को अभी कैसे भेज दूँ मैं अचानक से, इसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। अरे कमाल करते हैं, ये सही तरीका तो यही है कि खुशी खुशी आप बेटी को रुखसत कर दें, वरना शाहजहाँ अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ के भी ले जा सकते हैं, बीवी है उसकी। मेहरू ठीक कह रही हूँ ना मैं, तुम समझाओ अपनी अम्मी को। शाहजहाँ यहाँ आना। भाई देखो अपनी खाला को समझाओ, ये तुम्हारी दुल्हन को साथ ले जाने की इजाजत नहीं दे रही, और ये मेहरू ये भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तुम ही करो ना बात, समझाओ अपनी खाला। जिस दिन आप मेरी दुल्हन बने उस दिन आप सुर्ख चौड़ा पे। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, जीती रहो। आखिरकार अपने शाहजहां की दुल्हन बना के ले आई मैं तुम्हें अपने घर में, हालांकि बहुत मुश्किल था। तुम भी सोचती होगी कि अचानक इस तरह शादी कैसे हो सकती है ना? अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो तुम्हारी बहन मेहरू शाहजहां को आमादा करके अपने साथ निकाह पढ़वा लेती और तुमसे हमेशा के लिए छीन लेती, लेकिन मैं ऐसा हरगिज भी ना होने देती। क्या मतलब खाला, मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझोगी भी कैसे, मैंने अपने कानों से सुना था, मेहरू मिन्नतें कर रही थी शाहजहां की निकाह करने के लिए। तो शाहजहां ने क्या कहा? मैंने शाहजहां को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, मैंने तो फटाफट काजी बुलाया और तुम्हें उनका निकाह पढ़वा दिया। लेकिन वाह भाई वाह, हैरत तो मुझे तुम्हारी बहन पे है कि वार करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। वो क्या कह रही थी वो शाहजहां से? तुम्हें सब बता दूंगी लेकिन बाद में, क्योंकि तुम दुखी हो जाओगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू का दिल दुखे। आज तो शादी हुई है, खुशी का मौका है, लेकिन एक बात सुन लो। देखो शाहजहां को ना अपनी मुट्ठी में करके रखना, समझी? अब गाहे बगाहे तुम्हें बड़ी मुश्किलों का सामना होगा, बड़े इम्तहानात आएंगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, पीछे ना हटना हरगिज़। मेहरू ने जो कुछ किया है
ये तुम क्या पट्टियां बढ़ा रही हो मैं से? कुछ नहीं, मैं तो बस इसको ये समझा रही थी कि सुन लिया मैंने क्या कह रही थी तुम। आज के बाद अगर इस घर में मेहरू जी का नाम किसी ने भी लिया तो अच्छा नहीं होगा। सुन लिया सबने? मैंने तुम्हें बताया था ना कि बहुत नफरत करता है मेहरू से, बिल्कुल पसंद नहीं करता उसे। तुम परेशान मत हो, मैं जाके समझाती हूँ उसे, मेरी बात मानता है। आती हूँ मैं बात करके आती हूँ। मेरी मर्जी से इस घर में नहीं आई है वो, इस घर में मेरी मर्जी से नहीं आई है वो। लेकिन निकाह तो हो गया ना? निकाह हो गया? तुम अच्छी तरह जानती हो निकाह कैसे हुआ है अम्मा, इसलिए इस निकाह को लेकर मुझ पर कभी भी दबाव डालने की कोशिश मत करना। तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा, मैं कोई दबाव नहीं डाल रही, मैं तो बस इतना सा कह रही हूँ कि वो बेचारी अंदर इंतजार करिए। जाने मैं कहीं नहीं जाऊंगा अम्मा। मैं कह रहा हूं बस तुम चली जाओ यहां से, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे, क्यों कर रहे हो उस बेचारी मासूम के ऊपर ये जुल्म? मैं जुल्म कर रहा हूं? और अगर ये सवाल मैं तुमसे पूछूं अम्मा, तुम क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? तुमने क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने क्या बिगाड़ा था? ये तो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहिए, क्यों मैं तुम्हें मारूं? मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, मैं जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, बस तुम चली जाओ यहां से, बस अकेला छोड़ दो अम्मा मुझे। मुझसे नहीं जिया जाएगा। आयत कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? मेरे जी आपने क्या किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? इससे बेहतर था आप मेरा गला घोट देती, मुझे जान से मार देती, मुझसे ये कुर्बानी ना मांगती। बहुत तकलीफ में हूँ मेहरू जी, मैं कैसे रहूंगा आपके बगैर? तुम्हारी अब नई जिंदगी का आगाज हो चुका है, तुम्हारा और आयत का। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें ख्याल रखना है उसका, जाओ उसके पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप सुन रही है ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा शाहजहां? आपने क्यों किया मेरे साथ?
जी आपने क्यों किया मेरे साथ ये सब? किसी को इस तरह छोड़कर आप सुकून से रह लेंगी क्या? महरू जी आप मेरे बगैर रह लेंगी? मैं याद नहीं आऊंगा आपको।